हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने पिछली वीडियो में सिखाया था कि किस तरह से ब्लाउज को सिलते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इसकी डोरी बनाएंगे, ठीक है। और ये ब्लाउज हमने किस तरह से सिला है, ठीक है। तो इसकी मैंने सिलाई की वीडियो हमारा पहला वाला जो चैनल है प्रीति टेलर के नाम पर, तो उस पर मैंने अपलोड करी है, ठीक है। तो आप इसकी सिलाई की वीडियो भी देख सकती हैं। तो चलिए डोरी को किस तरह से सिलते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक तिरछे में और ये भी पट्टी लेनी है, ठीक है। और यहाँ पर इसकी चौड़ाई 1.5 इंच है। तो इसको हम क्या करेंगे, कुछ इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक बार और फोल्ड करेंगे और यहाँ पर फोल्ड करेंगे और फिर यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमें इसको फोल्ड करना है। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस डोरी को कुछ इस तरह से घुमा लेंगे, ठीक है। देखिए आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से डोरी हमारी बन जाती है, बिना धागा से हम यहाँ पर डोरी बनाएंगे। तो कुछ इस तरह से हम फोल्ड करते जाएंगे और यहाँ पर सिलाई लगाते जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से इसको घुमाकर इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अब हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको दोबारा से फोल्ड करेंगे। तो कुछ इस तरह से हमने इसको घुमा लिया है। अब हम यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। तो सेम इसी तरीके से हम यहाँ पर पूरी डोरी को सिल लेते हैं, ठीक है, फोल्ड करके। देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से डोरी को सिल लिया है। देखिए आप लोग देख सकते हैं, इसको मैंने बिना रजाई वाले धागे से डोरी को बनाया है, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको कुछ इस तरह से दोबारा से फोल्ड करेंगे, इस तरह से घुमाकर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कुछ इस तरह से डोरी को घुमा लिया है, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, लटकन लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह की चौकोर पट्टी ली है, ठीक है। इसकी लंबाई भी 4 इंच है और चौड़ाई भी 4 इंच है। तो इसको हमें कुछ इस तरह से फोल्ड कर देना है और यहाँ पर डोरी को रखेंगे इस तरह से, फिर एक बार और फोल्ड करेंगे और यहाँ पर तिरछे में सिलाई लगा लेते हैं। फिर हम यहाँ पर इसको सीधा करेंगे। तो कुछ इस तरह से हमने लटकन को सिल लिया है, ठीक है। एक लटकन हम यहाँ पर और लगा देंगे। तो इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर भी कुछ इस तरह से फोल्ड करेंगे और तिरछे में सिलाई लगा लेते हैं। फिर हम यहाँ पर इसको सीधा करेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से 2 लटकन लगा लिए हैं और यहाँ पर देखिए हमारी जो डोरी है वो बनकर तैयार हो गई है। देखिए कितनी सुंदर सी हमारी आसानी से डोरी बनकर तैयार हो गई है, ठीक है। और यहाँ पर इसी तरीके से मैंने दूसरी डोरी को भी बनाया है, ठीक है, सेम इसी तरीके से। तो देखा आप लोगों ने हमने किस तरह से बिना धागे की मदद से डोरी को सिला है, ठीक है।
तो उम्मीद करती हूँ कि ये छोटी सी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जो हमारी आने वाली वीडियो है वो आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएगी। तो मैं मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।